BTS के मेंबर V यानी हमारे किम तेयोंग और ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी यानी किम जेनी के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन कल कुछ अलग ही बात ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर जेनी को लेकर, जिसका रिलेशन वी के डॉग योनटेन से था। और अगर आप सबको भी समझ में नहीं आया कि योनटेन और जेनी क्यों ट्रेंड कर रहे थे, तो ये सब कुछ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अगर आपने कल ट्विटर खोला होगा तो आपने मेरी तरह ही देखा होगा कि हर जगह योनटेन और जेनी का नाम था, और आपकी तरह मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी और सोच रही थी कि आखिर योनटेन और जेनी क्यों ट्रेंड हो रहे हैं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली कुछ ब्लिंक्स और आर्मीज अब योनटेन और जेनी का कंपैरिजन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि योनटेन जेनी से ज्यादा फेमस है। ये बात पता है कैसे आई? रिसेंटली वी ने अपने डॉग योनटेन की फोटो को फिर से पोस्ट किया था, और उसके बाद योनटेन की फोटो पर बहुत सारे लाइक्स आ गए, और वी ने अपनी स्टोरी पर भी योनटेन की फोटो को शेयर किया था, जिसके बाद हर जगह ये बात होने लगी कि जो लोग भी बोलते हैं कि जेनी बहुत ज्यादा फेमस है या फिर वो वी को डिजर्व नहीं करती, उन्हें ये देखना चाहिए कि वी के जो डॉग है योनटेन उसको जेनी से ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी आर्मीज भड़क गई और ये वॉर शुरू हो गई हर जगह पर, और योनटेन और जेनी का कंपैरिजन होने लगा। वैसे तो ये बात ही बहुत ही बेसलेस और सेंसलेस है योनटेन और जेनी का कंपैरिजन, लेकिन कुछ टॉक्सिक फैन को आप कैसे समझा सकते हो? तो इन फैंस ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, पोस्ट डालनी शुरू कर दी, और ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जहाँ योनटेन को इतने करोड़ों लाइक मिलते हैं वहाँ जेनी को इतने लाइक्स नहीं मिलते। कुछ लोगों का कहना था कि योनटेन का जो फैन कैम था जहाँ पर वो वी के साथ आए थे, उस फैन कैम में जेनी के ओरिजिनल फैन कैम से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, और अगर स्टेज प्रेजेंट की बात करी जाए तो योनटेन बस स्टेज पर चल रहे थे फिर भी इतने अच्छे लग रहे थे, इतने ज्यादा एकदम करिश्मा वाले लग रहे थे, और वहीं जेनी स्टेज पर गिरती पिड़ती रहती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही थी जहाँ पर जेनी को डिफेम किया जा रहा था। अब मुझे समझ नहीं आता कि जिन लोगों को वी और जेनी का रिलेशन पसंद नहीं आता वो जेनी को इस तरीके से शेम क्यों करने लगते हैं। पहली बात तो वी और जेनी की डेटिंग ही कंफर्म नहीं है, उसके बाद कुछ टॉक्सिक फैंस हमारे फैंडम का नाम खराब करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। अब ये कुछ सो कॉल्ड आर्मीज जेनी की बेइज्जती करेंगी और उसके बाद ब्लिंक्स बोलेंगे कि आर्मी टॉक्सिक है, और कुछ सो कॉल्ड ब्लिंक्स वी और योनटेन की इंसल्ट करेंगे और फिर आर्मीज ब्लिंक्स से चिढ़ेंगी। तो ये सारा मांजरा यही था। देखा जाए तो वी और जेनी या फिर योनटेन और जेनी के डॉग किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है, सबका अपना फैंडम है, और स्पेशली एनिमल्स को इसमें लेकर आना तो बहुत ही बेसलेस बात है। जो चीज़ बोल भी नहीं सकती है, अपने एक्सप्रेशंस को दिखा नहीं सकती ह्यूमन की तरह, उसको तक डिफेम कर दे रहे हैं लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए। रही बात जेनी और वी की डेटिंग की, तो अभी तक तो डेटिंग की रूमर्स आती थी, अभी रिसेंटली ब्रेकअप की आ गई थी। मुझे तो लगता है कि शायद वी जब मिलिट्री में रहेंगे तो उनको ज़्यादा शांति मिलेगी ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर से। तो आर्मीज आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से योनटेन और वी और जेनी इन सबका कंपैरिजन वैलिड है या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।